इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी घटना है वो फिर एक बार केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला है। पिछले हफ्ते केजरीवाल ने एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। उन्होंने अपने वकील के बजाय खुद ही अपनी पैरवी की और ये पैरवी 39 मिनट तक चली। ये जो पैरवी की है अरविंद केजरीवाल ने अपनी, इसकी दो जो है वो बेसिक वजह है, दो कारण है। पहले तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पढ़े लिखे आदमी है और उनकी आपने वो भाषण सुना होगा चौथी पास राजा वाली, तो उन्होंने अपनी पैरवी करके ये बता दिया कि एक पढ़ा लिखा मंत्री और एक अनपढ़ मंत्री उसमें कैसा फर्क होता है। वो बेचारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी डरता है और ये जो है वो अदालत में अपनी पैरवी करता है। अपनी पैरवी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे बड़ी बात कही, देखिए आमतौर से अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो कहता है कि भाई ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन ये भ्रष्टाचार मैंने नहीं किया। ये अजीब और गरीब बात कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो शुरू होता है जो है वो इससे, ईडी से, और ईडी के बाद फिर उन्होंने बहुत सा उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि देखो 55 पेजेस की जो है वो ईडी ने दाखिल किए हैं, ईडी ने और सीबीआई ने मिलके 30,000 और 25,000, और इन 55,000 पेजेस में मेरा नाम जो है वो 4 जगह आता है, और ऐसी ऐसी जगह आता है कि मैं वहां मैं घर पे जो है वो एक फाइल एक साहब ने मनीष सिसोदिया को दे दी, उस वक्त वो मौजूद थे इसलिए उनको जेल में डाल देना चाहिए, और भी 3-4 उदाहरण उन्होंने इसी तरह के दिए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये सरकार कितने कमजोर आधार पर जो है वो कर रही है कि एक आरोपी को वकील की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ही जो है वो अपने अपने खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जो है वो बखिया उधेड़ देता है। तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि मैं जो है वो आपसे ये नहीं कहता कि मुझको कस्टडी में ना रखा जाए, मैं कस्टडी से छोड़ खींच से छुटकारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वो उसमें ट्रेल साबित हो रहा है और इनके खजाने में पैसा गया है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो किसी आरोपी का ये कहना कि मैं जो है वो छुटकारा नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि वो ये महसूस कर रहा है कि जेल में रहने से उसका फायदा ज्यादा है और बाहर जाने से कम है। ये बहुत ही क्लियर बात है क्योंकि वो बाहर रह के सरकार चलाते हैं, वो जेल से सरकार चला रहे हैं, उन्होंने एक के बाद एक 3 अध्यादेश निकाले। अब देखिए एक भी अध्यादेश में जो है वो किसी उद्योगपति के लिए कोई ठेका नहीं दिया गया। पहला वाला पानी के लिए था कि टैंकर दो, दूसरा वाला जो है वो दवाइयों के लिए था, तो तीसरा वाला जो है वो स्कूल की फीस के लिए था कि स्कूल की फीस प्राइवेट स्कूल जो है वो नहीं बढ़ा सकते बगैर परमिशन के। तो केजरीवाल जेल में बैठ के ऐसे इश्यूज पे बात कर रहे हैं जो जनता के अब इश्यूज हैं, हर परिवार से उसका ताल्लुक है। अच्छा लोग इससे भी परेशान है कि उनके पास ना मोबाइल है ना उनके पास कंप्यूटर है, तो वो ये अध्यादेश कैसे जारी कर रहे हैं? तो उसका कारण ऐसा लगता है कि उन्होंने जाने से पहले तैयारी कर दी थी कि इतने इतने टाइम से एक दिन ये आएगा दूसरे दिन तीसरा आएगा तीसरे दिन। अब यही अध्यादेश अगर केजरीवाल बाहर रह के निकालते तो गोदी मीडिया उसको इग्नोर कर देता, नजरअंदाज कर देता, लेकिन चूंकि जेल से आ रहे हैं तो इसलिए एक अजीब बात है कि जेल से अध्यादेश आ रहा है और वो जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है तो गोदी मीडिया भी उसको दिखाने पे मजबूर है। अब आप देखिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने एक प्रोग्राम में कह दिया कि जेल से वो सरकार नहीं चला सकते, सक्सेना साहब ने कहा। तो जब केजरीवाल जा रहे थे जेल सुनवाई के लिए तो उनसे पत्रकारों ने पूछा
आप क्या कहना चाहते हैं, जेल से आप सरकार नहीं चला सकते। उन्होंने कहा रहे भाई ये लोग तो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कोर्ट ने, अब बीजेपी की इतनी हालत खराब है कि वो कोर्ट में जाके ये कहना नहीं चाहती कि ये जेल से सरकार नहीं चला सकता, या उनकी सरकार को जो है वो भंग करना नहीं चाहती, इसलिए कि उससे उनका उनके सहानुभूति और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने एक वकील को खड़ा कर दिया PIL लेके कि भाई वो जेल से सरकार नहीं चला सकते, तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये तो जो है वो प्रशासन का काम है कि वो ये देखे कि उससे क्या खलल हो रहा है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कोर्ट से नहीं चला सकते जब तक साबित ना हो। तो एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई जेल से सरकार चल सकती है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। लेकिन अगर प्रशासन को यह लगता है कि उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है तो प्रशासन एक्शन ले, हमको जो है वो इस राजनीति में नहीं घसीटे। तो आप देखिए ये अजीब गरीब सिचुएशन में बीजेपी ने अपने आप को केजरीवाल के मामले में फंसा दिया। अब ये जो केजरीवाल का अंदर रहना और बाहर रहना, ये उनके लिए कितना फायदेमंद है और बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह है, इसका हमको जो है वो कल वो देखने को मिला। कल जो है दो रैलियां हुई, एक रैली दिल्ली में थी और दूसरी रैली जो है वो मेरठ में थी। तो जो मेरठ वाली रैली है, प्रधानमंत्री की रैली, तो उनका तो बड़ा तामझाम होता है। उन्होंने पहले घोषणा की थी कि भाई चौधरी चरण सिंह को और लाल कृष्ण आडवाणी को जो है वो भारत रत्न दिया जाएगा। तो कल जो है उन्होंने वो घोषणा करने के बाद जयंत चौधरी को साथ में ले लिया। अब कल उसको देने का समय था, पहले उनको देने से पहले चौधरी चरण सिंह को, बहरहाल वो संघ को खुश करने के लिए आडवाणी के पास चले गए। वो इतनी खराब बात हुई कि दो कुर्सियों पे जो है वो आडवाणी साहब बैठे हुए हैं एक पे, और एक पे जो है वो मोदी जी बैठे हुए हैं, और जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति जिनको के वो देना है वो खड़ी हुई। तो ये कितनी अपमानजनक बात है। और ये फोटो अगर आ भी गई थी तो उसको जो है वो मीडिया में आने से मोदी जी रोक सकते थे, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उस फोटो को चलवाया, यानी ये दिखाया कि भाई मेरे नजदीक ये जो राष्ट्रपति है इसकी कोई महत्व नहीं, मैं आराम से बैठूंगा, आडवाणी जी आराम से बैठेंगे और वो राष्ट्रपति जो है वो खड़ी रहेगी। तो ये इनका एरोगेंस है, इनका घमंड है। उसके बाद ये गए मेरठ, मेरठ में क्या हुआ, मेरठ में ये जो है सारे लोगों के सामने से गुजरे, सारे लीडरों को किसी के सामने हाथ जोड़ा, किसी से हाथ मिलाया, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देखा तक नहीं। वो वीडियो चल रही है, लोग देख रहे हैं कि योगी जी मुंह लटका के प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं और प्रधानमंत्री उनकी तरफ देख नहीं रहे। इवन जब वो हल लाया गया तो पता चला सारे लीडर वो हल को पकड़ रहे हैं और जयंत चौधरी उधर पीछे खड़े। बाद में बालियान ने कहा कि भाई तुम भी आओ, तुम भी हाथ लगाओ, तो वो आके कोने में ऐसा हाथ लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मेरठ की रैली से जो फायदा ये उठाना चाहते थे, जो लोग जयंत चौधरी के वहां आए थे, जिनको मोदी जी करीब करना चाहते थे, या जो योगी आदित्यनाथ जिनको जोड़ जाड़ के लाए थे, उन लोगों पर ये जो प्रधानमंत्री का जो रवैया है, ये जो इनका घमंड है, उसका क्या असर पड़ा होगा? क्या RLD वाले खुश होके गए होंगे कि हाँ साहब हमारे लीडर ने बहुत अच्छा फैसला किया इनके साथ जाने का, उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है। और आप देखिए कल वो रैली हुई और आज सुबह ये खबर आ गई कि उसके जो उपाध्यक्ष हैं शाही सिद्दीकी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि नहीं रहना है, ये लोग अपमान करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ अपमानित होके नहीं रह सकते। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि एक चुनावी रैली से जिससे आप लोगों को करीब करना चाहते थे, उसमें जो है वो आपने लोगों को दूर कर दिया, लोगों को अपमानित किया। इसके मुकाबले आप देखिए दूसरी रैली हुई है दिल्ली में, दिल्ली में पूरा विपक्ष एक साथ था, सबकी एक बोली थी, और किसी ने इनको रावण कहा, किसी ने इनको कंस कहा, वो तो देखने जैसी रैली है। पब्लिक का जोश देखिए,
वहां पे मेरठ में जिनको आप पैसे दे के लाए थे उनके अंदर कोई जोश ही नहीं, और यहां देखिए कि किस तरह से नौजवानों में जोश था। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा फर्क है जो आज की जो उसमें हो रहा है। और आज के दिन कोई केजरीवाल की जो है वो पेश हुए तो ईडी ने ये कहा कि हमको जो है इनकी कस्टडी नहीं चाहिए। यानी एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने ये कहा कि भाई अब इसको इसकी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आज जो है वो उनकी जमानत की एप्लीकेशन लगती तो हो सकता है उनके हक में फैसला हो सकता था, या हो सकता है क्योंकि मनीष सिसोदिया वगैरह का, संजय सिंह का नहीं हुआ है तो शायद उनको भी नहीं मिलता। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि एक ही केस में उन दोनों को भी पकड़ा गया है, इसलिए उनके भी रिहाई का रास्ता खुल जाएगा। तो ये केजरीवाल के बारे में कुछ बातें थी। दिल्ली रैली के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो महिला शक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहां पर जो है वो सुनीता केजरीवाल थी, कविता सोरेन थी और प्रियंका थी, सोनिया थी। तो महिला शक्ति क्या है वो तो वहां पता चला, और भारत की महिलाओं को ये भी समझ में आ गया कि ये सरकार किस तरह से जो है उन पे अत्याचार कर रही है। तो और हमारे उद्धव ठाकरे ने ये कहा भी कि हमारी बहनें परेशान है, तो भाई जो है वो किस तरह से चैन से बैठ सकते हैं। तो एक बहुत आप एक वो देखें, पटना की कामयाब रैली हुई, उसके बाद बंबई की कामयाब रैली हुई, उसके बाद दिल्ली की कामयाब रैली हुई, और ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें बीजेपी का कोई ना कोई हिस्सा है। बीजेपी जो है वो कोई ना कोई ऐसी गलतियां करती है कि आपने नीतीश को तोड़ लिया, केजरीवाल को अंदर कर दिया, ताकि लोगों के अंदर जो है ये जिज्ञासा पैदा हुआ है। तो बीजेपी आज की तारीख में अपने दुश्मन का भला कर रही है। एक दो और घटनाएं हैं जिसके बारे में मैं एक दो मिनट दो दो मिनट बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। एक घटना है संजीव भट्ट की। संजीव भट्ट जो है वो उनको अभी इस हफ्ते 20 साल की सजा दी। पहले उनके ऊपर उम्र कैद की सजा है, 20 साल की सजा ये दी गई कि उन्होंने चंद ग्राम जो है वो अफीम किसी वकील की जेब में डाल दिए थे, ऐसा ये आरोप है उनके ऊपर। आपको पता होगा 30,000 करोड़ की जो है वो हीरोइन पकड़ी गई अडानी के पोर्ट पे, तो किसी का बाल भी का नहीं हुआ। और चंद ग्राम की वजह से संजीव भट्ट को जो उम्र कैद की सजा गुजार रहे हैं और 20 साल की सजा गुजरात के कोर्ट ने दे दी, और 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया, और अगर जुर्माना नहीं अदा करें तो फिर हर एक 1,000 के ऊपर कितने महीने की जेल जो है वो। तो गुजरात का जो आदर्श गुजरात का मॉडल है उसमें किस तरह से उन लोगों को जो कि अपनी जिंदा जमीर रखते हैं, जो कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पे बात करते हैं, उनको किस तरह से सताया जा रहा है, इसका भी एक उदाहरण इस हफ्ते जो है वो हमको देखने को मिला। इसी तरह से मुख्तार अंसारी का देहांत हुआ जेल। सरकार का कहना है कि साहब उनको हार्ट अटैक हो गया, और उनके परिवारगण ये कह रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया। मुख्तार अंसारी ने खुद भी जो है वो ये बात कही थी कि मुझको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जी। तो ये घटना हो गई। अब सरकार ने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है और उसकी जो है वो जांच पड़ताल चल रही है, उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो जानते हैं, लेकिन जो भी निकले उस जब उनको लाया गया अपने शहर में, तो आप ये देखें कि पूरा शहर उमड़ पड़ा। आपने वीडियो देखी होगी, हजारों लोग, उनको कोई लाने वाला नहीं था, वो किराए पे नहीं आए थे, वो इसलिए आए थे कि उनके परिवार का एक इतिहास है। उनके दादा जो है वो 17 साल जेल में रहे हैं आजादी की जंग में, 2 साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। उनके नाना जो है वो मेजर है, उनको परमवीर चक्र मिला उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान को, और फिर उनका एक इतिहास है जिस जो उन लोगों ने वो अपने एरिया में लोगों की खिदमत की है। इसीलिए आप ये देखें कि अंबिका चौधरी गए तो उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि वो गरीबों के मसीहा थे, और गरीबों के मसीहा थे तो वो तो दिख ही रहा था, वो लोग जिनकी ये जो जनरेशन आई थी उनको तो उन्होंने देखा भी नहीं 20 साल से जेल में, लेकिन चूंकि उनकी फैमिली की जो है वो की गई थी इसलिए वो लोग आए। और हद तो ये है कि योगी के मंत्रिमंडल में मौजूद राजभर ने भी ये कहा कि वो जो है ना केवल गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए खड़े होते थे,
उनकी मदद करते थे, उनके जो जुल्म होता था तो उसके लिए लड़ते थे, बल्कि वो जो है वो एक इनकलाबी इंसान थे, एक क्रांतिकारी आदमी थे। तो एक तरफ जो है वो मोदी के मंत्रिमंडल का एक मंत्री ये बोल रहा है और दूसरी तरफ ये लोगों को चुप लगी हुई है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको खराब करने के लिए इन्होंने डीएम का उपयोग किया, ये बहुत गलत बात है। और डीएम ने जाकर के वहां के जो सांसद है अफजाल अंसारी, उनसे कहा कि आप लोग जो है वो सिर्फ परिवार के लोग जो है यहाँ जाइए, और जो है वो आचार संहिता लगी हुई है। वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें अफजाल अंसारी ये कहते हैं कि किसी की मिट्टी के लिए ये 144 का, फिर वो ये पूछती है कि आपने परमिशन लिया था क्या, आपने कभी सुना है कि किसी की मैयत के लिए जो है वो परमिशन लिया जाता है और उसके 144 से उसको रोका जाता है, उसका आचार संहिता से कोई संबंध होता है? और फिर वो ये कहती है कि कैमरा लगा हुआ है, हम मुकदमा करेंगे। अफजाल अंसारी कहते हैं जाओ जो करना है। उससे एक बात ये भी समझ में आती है कि आप लोगों को डरा सकते हैं, डराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लोग डर जाएं ये जरूरी नहीं है। अफजाल अंसारी के सामने उसके भाई की लाश है और वो ये कह रहे हैं कि उनको जहर दिया गया। इसके बावजूद अफजाल अंसारी ने जिस तरह से उस डीएम को जवाब दिया, उससे ये पता चलता है कि इनकी जो ये कोशिशें हैं लोगों को डराने धमकाने की, ये कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं होंगी। जो लोग नहीं डरते हैं, और यही दिल्ली के रैली में भी कहा गया कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, तो जो लड़ने वाले होते हैं और वो डरते नहीं हैं, और ये दमनकारी चीजें जो है उन पर कोई असर नहीं डालती।